नमस्कार, मैं अनु जाटपुर। मैंने सीजीएल 2020 में 600 में 540 स्कोर किया है और आशा करता हूं कि टायर 3 में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने ड्रीम पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर को पालूंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किशन आपको इंग्लिश स्ट्रेटजी और मैथ्स की स्टडी दे चुके हैं आप लोग को, और इसको आप लोग फॉलो करिए और हम लोग के साथ बने रहिए। इसी तरह अपना प्यार हर वीडियो पे देते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं किशन गुप्ता आपके अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताने के लिए आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली हैं, एक मेरी बुक लिस्ट और एक मैथ्स की फुल स्ट्रेटेजी। उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपको ऐसी वीडियोस और आगे मिलती रहेंगी। आज मैं आपको बताऊंगा अपने इंग्लिश की फुल स्ट्रेटजी। वो आप बिगिनर हो या आप रिपीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश के लिए सब कुछ सेम है। मैंने कैसे इंग्लिश की पढ़ाई की है, कैसे इंग्लिश की पढ़ाई करना चाहिए, इंग्लिश में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन पे कितना ज्यादा ध्यान देना है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसमें मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा कि मैं इंग्लिश को लेकर क्या सोचता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के बारे में बात किया जाए तो इंग्लिश को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ग्रामर, कंप्रहेंशन और थर्ड इज वोकैब। इन तीनों पार्ट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ग्रामर में कौन सी बुक पढ़नी है, कंप्रहेंशन में क्या करना है, वोकैब में क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चे ग्रामर के पीछे भाग रहे हैं इंग्लिश में, इसीलिए उनका स्कोर नहीं आ रहा, ये मेरा पर्सनल मानना है। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए आपको एक ही किताब पढ़नी है, दो तीन बार पढ़ लेंगे मोर देन एनफ है। ग्रामर के लिए आपको एक किताब उठानी है, इंग्लिश की नीतू सिंह मैम की लिंक्स टू पैरामाउंट वॉल्यूम फर्स्ट। इससे आपको ग्रामर पढ़ना है, पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर को आप उससे पढ़िए, उस पर टिक करिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है और उसको रिवाइज करते रहिए। दैट इज ग्रामर के लिए बस यही है, और कुछ भी नहीं करना ग्रामर में आपको। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का मतलब ये है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। कंप्रहेंशन का मतलब यही है कि रीडिंग स्किल कैसी है। जितना अच्छा आपका रीडिंग स्किल होगा उतना अच्छा आप स्कोर करोगे इंग्लिश में। कंप्रहेंशन को कैसे ठीक करें, कंप्रहेंशन में आपके आएगा क्या, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ और पैराजम्बल, तीन चीज आती है। कैसे ठीक करना है कंप्रहेंशन को, ठीक करने का मतलब है रीडिंग स्किल को ठीक करना। और रीडिंग स्किल को ठीक करने के लिए मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तो पूरे मार्केट में जो घूम रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना। हालांकि सीजीएल को क्वालिफाई करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही कंपल्सरी नहीं है, बट रीडिंग स्किल के लिए आप न्यूज़पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि न्यूज़पेपर को आप फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन तक पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये है कि जो भी आर्टिकल आपको पसंद आता है, जिस भी आर्टिकल में आपका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, एडिटोरियल, जो भी पढ़ना आपको अच्छा लगता है आप न्यूज़पेपर से पढ़िए, उससे आपका डेफिनेटली रीडिंग स्किल अच्छा होगा। सेकेंड थिंग है वेब सीरीज, जो मैं बहुत ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि वेब सीरीज जो चीज़ें वो बोलते हैं और जो सबटाइटल्स आप रीडिंग करेंगे उन्हीं सबटाइटल्स को आप पिक्चर व्यू में देखते हो, तो उससे आपको उस सेंटेंस की, उन वर्ड्स की मीनिंग फील करने में आती है, आप अंदर से फील कर पाते हो उसको। मैं शुरू से ही वेब सीरीज देख रहा हूँ, क्लास 10th से देख रहा हूँ, सबटाइटल देखता हूँ। वेब सीरीज पे फोकस नहीं होता, सबटाइटल्स पे फोकस होता है, उनको पढ़ता हूँ, उन सबटाइटल्स से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेब सीरीज देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जॉनरे के वेब सीरीज आपको अच्छी लगती हो आप उसका हर रोज एक एपिसोड देखिए, इतना कंट्रोल करके। और वेब सीरीज में एपिसोड देखने से ज्यादा फोकस करिए उसके सबटाइटल्स को पढ़ने के लिए। तीसरी चीज है नॉवेल्स। जिस भी जॉनरे का नॉवेल आपको पसंद है, जैसे मैं थोड़ा सा महादेव का भक्त हूँ, बनारसी हूँ, इसीलिए मैं महादेव के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो जो भी किताबें आपको पसंद है उन किताबों को पढ़िए डेली, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, या कहीं बिजी हैं, नहीं है, खाली कहीं बैठे हुए हैं, कुछ और काम नहीं कर रहे हैं तो रीडिंग कर लीजिए,
यहाँ से आपका कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा और आप बिल्कुल ही अच्छा स्कोर कर पाओगे कॉम्प्रहेंशन के पार्ट में। थर्ड पार्ट है हमारा वोकैब। वोकैब के लिए सबसे पहले आपको बेसिक वोकैब्स के लिए नीतू सिंह मैम की जो ये बुक है इडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ से कर लेंगे आप, ठीक है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है वो है देसी जुगाड़। अंग्रेजी का देसी जुगाड़ आपके लिए मस्ट रेड बुक है। अब इनकी इन इस पब्लिकेशन की और भी किताबें आ गई हैं बड़ी बड़ी, तो इससे भी मोटी किताबें आ चुकी हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो आप इसको प्रीफर करिए। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी ये मिल जाएंगी, देसी जुगाड़ आप डालेंगे तो इसकी ईडियम फ्रेजेस भी आती है, इसका वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है और एंटोसाइनो भी आता है। तो देसी जुगाड़ को मंगाइए, देसी जुगाड़ को पढ़िए, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करेंगे एमबी पब्लिकेशन से, किरण से, तो उसमें जो वन वर्ड एडियम्स और एंटोसाइनो आते हैं उनको रिवाइज करते रहिए, वहाँ से आपका वो कैप कवर हो जाएगा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात थी कि तीन पार्ट क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास दो किताबें हैं, एक है एमबी पब्लिकेशन और एक है किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो एमबी पब्लिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये एमबी पब्लिकेशन की जो किताब है अजय कुमार सिंह की, इस किताब को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आपको डेली टारगेट रखना है कि आज मुझे 200 क्वेश्चंस करने हैं, उनको टारगेट करिए, 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उनको एनालाइज करिए, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको टिक मार्क करिए, ताकि जब दूसरी बार आप रिवाइज करें तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। एग्जाम से एक महीने पहले तक आपको एमबी पब्लिकेशन को फॉलो करना है। जब एग्जाम में एक महीने बाकी रह जाए, जैसे कि सीजीएल मेंस 2021 के लिए एक महीने बाकी है, तो उस समय पे आपको उठाना है किरण। ये नहीं किरण, किरण की जो प्रीवियस ईयर की किताब है, इसको चाहे तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं मेरे जैसा, जैसे ये हो गया अलग है, डायरेक्ट डायरेक्ट अलग है, एक्टिव पैसिव अलग है, इम्प्रूवमेंट अलग है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और इसको टारगेट बनाइए कि 3 दिन में इम्प्रूवमेंट करना है, 3 दिन में एयर करना है, 3 दिन में स्पेलिंग्स करनी है, और इनको लगातार एक एक करके चैप्टर वाइज रिवाइज कर लीजिए। रिविजन के लिए रखना है आपको किरण पब्लिकेशन और प्रैक्टिस के लिए रखना है आपको एमबी। अब बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट की। मॉक कहाँ से लें? मॉक आप किसी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, मैं प्रीफर करता हूँ टेस्ट बुक को। टेस्ट बुक पे जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स पढ़े हुए हैं, उनके स्पेशल मॉक्स भी पढ़े हुए हैं। आपको हर तीसरे दिन एक मेंस का मॉक देना है, प्री का मॉक स्पेशली नहीं देना है, मेंस का मॉक देना है, 200 क्वेश्चन वाले मॉक देने हैं। मॉक्स देने के बाद उसको रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको बुकमार्क करना है और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, लेकिन हर तीसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत ही कम की है। मेरी पूरी तैयारी में 70% मॉक टेस्ट है और 30% मेरी पढ़ाई है। मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट आप डेली भी देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका तैयारी एक अच्छे लेवल पहुंच सकता है, बट इंग्लिश का मॉक आपको हर तीसरे दिन पे देना है। अब रही बात क्विक रिविजन के लिए, क्विक रिविजन के लिए YouTube चैनल आपके पास है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक रानी मैम है, इंग्लिश बाई रानी मैम करके एक YouTube चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको स्पेशली वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे 16 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ग्रामर, स्पेलिंग के लिए idiom phrases के कुछ इंपॉर्टेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कुछ इंपॉर्टेंट, जो नए वन वर्ड idioms आ रहे वो कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, ये सारा कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके रिवाइज कर सकते हैं। यही सारी थी इंग्लिश की पढ़ाई जो मैंने की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ इंग्लिश को लेकर। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि इंग्लिश में अगर आप ग्रामर नहीं भी पढ़ें और अपनी रीडिंग स्किल और कॉम्प्रहेंशन को अच्छा रखते हैं, लिटरेचर को अच्छा रखते हैं, तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि मैं 2018 में जब मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग ली थी, तो 2 या 3 महीने में मैंने 3 चैप्टर खत्म किया था इंग्लिश का, फर्स्ट वर्ब टेंस कंडीशनल सेंटेंसेस, 3 चैप्टर। आज भी मैं पढ़ाऊँ, आज भी जब मैं ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो यही 3 चैप्टर तक ही पहुँच पाता हूँ, उसके बाद मैंने ग्रामर कभी नहीं पढ़ा। मैं ग्रामर पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी रीडिंग स्किल अच्छी है तो मैं कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंपर का पार्ट तो कर ही लूँगा, लेकिन रीडिंग अच्छी होने के कारण आप फिलर्स, एरर, इम्प्रूवमेंट ये सब भी कर सकते हैं। जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी और आप कोई गलत सेंटेंस पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये पता नहीं चल पाएगा बहुत से केसेस में कि क्या गलत है, बट आप आंसर सही टिक कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। केवल ग्रामर पढ़ के और आप ये लिटरेचर रीडिंग करके इंग्लिश नहीं कर सकते, आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये था मेरा मानना, बाकी
ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो बुक मैंने बताई है इन किताबों के अलावा और इन तरीकों के अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, ये गारंटी वाले तरीके हैं। मेरा एक दोस्त एक्साइज इंस्पेक्टर होने वाला है सीजीएल 2020 में, उसने 540 स्कोर किया है, मैंने आपको पिछले बताया था। तो हम दोनों मिलकर बहुत ही बारीकी से स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और आपको पहुंचाते हैं। ये बहुत ही फुल प्रूफ आपको ये स्ट्रेटेजी दी जा रही है, आप बिल्कुल इसको फॉलो करिए। मैं आपको बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आज तक एग्जाम में वो प्री हो या मेंस हो, मैं प्री में 47.5 या 50 से कम नहीं पाया हूँ और मेंस में कभी मेरा स्कोर 180 से नीचे नहीं आया है, सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, ये जो स्ट्रेटेजी है ये दोनों मीडियम बच्चों के लिए है, आपको बस इसी को फॉलो करना है और आप बिल्कुल ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी यहीं तक थी, इस वीडियो को विराम देंगे। प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।